अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो जी चलते हैं, ये देखते हैं बाजी इधर क्या कर रहे हैं सहन में। ओह वाह, इन्होंने तो लगता है हमें दे दिए सारे पौधे। ना जी ना, ये मैंने आपको नहीं दिए, मैंने तो कुछ दिनों के लिए रखे हैं। मैं तो बड़ी खुश हूँ, बचने के लिए रखे हैं। किससे बचने के लिए? मिस्त्रियों से। वो ऊपर काम हो रहा है तो उन्होंने ऊपर से पत्थर और सीमेंट फेंक फेंक के पौधों का सत्यानाश कर दिया। तो आज मैंने अभी लगे हुए हैं, तो आज मैंने सोचा कि इनको साफ करके साइड पे रख दूं, जो बच गए हैं वो तो रह जाएं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से लगाए हैं, गमले लेके आई, पौधे लेके आई, लगाए, तो इसलिए मैं इनकी सफाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। और आपके सेन में कुछ दिनों के लिए मैंने रखने हैं। सही है, चलिए जो हमें पसंद आया वो ले लेंगे। ना जी ना, ये नहीं हो सकता, ये तो मुझे खुद बहुत पसंद है। अभी तो मेरे जो गमले हाल ही में मैं उनमें और लेके आने हैं, वो सेंट्री वाले ने तोड़ दिए हैं, कुछ ऊपर से पत्थर फेंके हैं, ईंटें फेंकी हैं, तो वो टूट गए हैं गमले। तो पौधों को दूसरे गमलों में लगाया तो वो सूख गए हैं, तो उनको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, देने की तो बात नहीं है। अच्छा जी, ये वाला भी बड़ा अच्छा है, ये बड़े प्यारे पौधे। ये कुछ कुर्बानी का बकरा लेके आए थे, कुछ वो खा गया सही हो ईद पर, तो ये वाला भी वो पौधा वो भी खा गया। अच्छा, ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर लगे होते हैं ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा है। तो बड़े प्यारे, लेकिन आपके तो साफ हो गए हैं। और ये देखिए ये हमारे हैं। या किस दिन टाइम मिलता है तो फिर इंशाल्लाह मैं भी साफ करती हूँ। बहुत ज्यादा जंगल की तरह लग रहे हैं पौधे। वैसे ये कि आजकल बारिश बड़े प्यारे लगते हैं, बारिश होती है तो बहुत निखरे निखरे से बहुत मजा आता है। लेकिन जिस जगह पे गमले रखे ना उधर काफी निशान पड़ जाते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला होता है, मिट्टी का पानी नीचे गिरता है तो वो निशान पड़ जाते हैं। इस समय मैं कह रही थी कि छत के ऊपर रख दूँ, छत पे फिर रोज पानी डालना, रोज जाने का मसला होता है, ऊपर जाने का मसला होता है ना। इधर तो हर वक्त नजर आते हैं, इसीलिए तो लगाए हैं कि देखते नहीं इनको। सारे हेल्प कर रहे हैं, मेरी वासे को भी बोला हेल्प कर दो, तो सारे गमलों को उठा के उधर रखना, मुझे तो उठाने नहीं हो रहे। ये इतना प्यारा पौधा, सफाई करनी तो बहुत जला जला सा हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर साइडों से काट दिया इसको। फिर सही हो जाएगा ना, बारिश हो रही है। वासे बड़ा काम का बंदा है जी, वासे बेटा उधर गमले रख के आओ, गमला रख के आएगा, काम कर रहा है। वासे नाराज होकर घर भी चला जाता है थोड़ी सी बात। बैठो वासे इधर आराम से, आगे आगे होता है काम, कोई भी काम करे तो आगे आगे होता है। अभी ऊपर से और सीमेंट गिरना है तो इधर, इसलिए मैंने जगह खाली की है, इसलिए मैंने जगह खाली कर दी। वो तो नीचे देखते ही नहीं। वैसे बाजी आजकल के मौसम में पौधे बड़े अच्छे हो जाते हैं ना। हाँ, पौधे तो बहुत अच्छे। उनको खाद वगैरह डाली है कि नहीं? पहले तो 3 दफ़ा डाली, अब तो नहीं डाली। अब तो वैसे भी इनका हाल ही कोई नहीं था, बाहर काम ही निकलते रहे, मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी फैला हुआ है, हमारा भी फैला हुआ था। पता नहीं, मिट्टी सही नहीं है, पौधे जो ज़्यादा ज़मीन में फैलते हैं, क्योंकि गमले में। मैंने तो बड़े शौक से लगाए हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया लगाने का। उस तरह फैले नहीं पौधे जिस तरह फैलने चाहिए थे। तो मिट्टी का ऐसा मसला है कोई, या क्या मसला है? मिट्टी का नहीं, वो जगह कम है इसलिए। गमलों में तो जगह कम है, ग्रोथ फिर कम हो रही है, कम हो रही है। तो बस से शाबाश, गमला रख के आएगा, बहुत अच्छा बच्चा है। ये हमने ले लेना हमारी तरफ, ये अपनी साइड पे रख रहा है, बड़ा सियाना है। आपका ही जो है ना भतीजा है ना, ये वाला भी काफी प्यार लेगा। और इसको ये क्या सूखा हुआ है ना, यही सूख गया, एक्सपायर हो गया ये वाला। एरोगेरिया का गमला, ऊपर से ईंटें गिरी हैं, गमला टूट गया, दूसरे गमले में लगाया तो सूख गया। बड़ा अफसोस, इसको बाहर फेंकेंगे। हां, जाहिर है इसको बाहर फेंकेंगे। ये मोती का काफी अच्छा है। हां, ये बड़ा प्यारा है। आजकल तो इसके ऊपर फ्लावर भी लगे हुए हैं, और इनकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, अगर पानी में डाल के रखे ना किचन में। छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी खुशबू मेरे अंदर तक जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी ये असली वाली है ना, इसलिए मैं कह रही थी शायद इसकी थोड़े भी हूँ फिर भी खुशबू जरूर जाती है। सही, इसको बांध के ऊपर कील वगैरह दीवार के साथ लगा के ना, उसके साथ वो ऊपर बांधा हुआ था। ये मिस्त्रियों ने सत्यानाश किया सारा। अब वासे को फिर शरार सोच रही है, वासे बाज नहीं आ रहा, क्या रहा है ये? छिपकलियों को तंग आ रहा है, कोई ऊपर गिर जाएगी इसके, मारेगा इसको, मारने का बड़ा शौक। अब शाम को कुछ खा लो और जल्दी से फिर सुबह स्कूल जाना है, तो अभी सो जाओ। अभी मंगा लिया तो खुश हो जाते हैं बाहर का खाना।
अब ये देखा, अब इन्होंने ये सही कर दिया है कि ये जो चटनियाँ जो है ना इसमें इन्होंने पैकिंग करके भेज दी, जो भी ऑर्डर ऑर्डर पे मंगवाए तो। और अगर बोले रोटी वगैरह सालन ले लें तो फिर तो बस कहते हैं हमारा दिल ही नहीं कर रहा। शवारमा और प्रेटर जनम वली को तो बिल्कुल ही यही पसंद है। मैं तो इसको अभी शवारमे का चिकन हो जाए सुबह नाश्ता भी कर लेता है, इसका ज़्यादा मसला है। आज बारिश भी बनी हुई है और गर्मी भी काफ़ी। अल्लाह करे बारिश हो जाए सुबह, बारिश तो हो जाए लेकिन जो सराब आ रहे हैं इससे भी तो डर लग रहा है। हाँ ये तो है, खासतौर पर जो लोग बेचारे कच्चे मकान है या जिस तरफ स्लैब वगैरह आ रहे हैं लोगों के घरों में पानी आ जाता है। क्या देख रहे हो? अच्छा दिखा रहे कि मैं गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहा हूँ, गेमें खेलने का बादर है। स्कूल सुबह जाना होता देर तक जागते हैं बहुत। मुझे अब आप